अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या चले। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो में भाई आपको वेलकम। तो भाई आज हम देख रहे हैं डक्की भाई की वीडियो और उसके ऊपर देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होते हैं और क्या क्या डक्की भाई वीडियो में बता रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेगा और डिस्क्रिप्शन में डक्की भाई के चैनल का भी लिंक दिया हुआ है और इसी वीडियो का भी। अगर आपने दोबारा देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप डक्की भाई के चैनल से भी देख सकते हैं। चलो गाइस, अब हम अपने डक्की भाई की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ से जो है ना हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये चंदा मैंने इकट्ठा किया हुआ था ईद के दिन हमेशा ही था ना किसी के। भाई इन्होंने चंदा इकट्ठा किया हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या रिएक्शन। जापानी बोली ही मैंने। वो ये कौन है? ये बताऊं कौन है? तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। वालेकुम सलाम। बड़ी देर बाद जो है ना हम लोग इंट्रो कर रहे हैं। बहुत सारे जो है ना हमारे चैनल पे नए भी हैं, तो वो तो हम लोग जी जानते होंगे, लेकिन जो लेजेंड्स हैं पिछले 3-3 साल पुराने उन्होंने मिस किया होगा। तो क्या चल रहा है आजकल है। तो खैर एनीवेज आज जो है ना हम लोग डिफरेंट टाइप की वीडियो करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं रिएक्टिंग टू माई चाइल्डहुड वीडियोस। भाई जब मैं काका सा था ना, इतना सा, तब से लेके अब तक मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपके भाई की नैपियां पहनने से लेके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पर है भाई। तो आज जो है ना हम लोग वो वीडियोस देखने वाले हैं। रुको ही बुला लेता हूं, ठीक है, क्योंकि उसने भी नहीं देखी हुई ये वीडियोस। मिलके जो है ना रिएक्ट करते हैं। चाइल्डहुड वीडियोस पे मैं रिएक्ट करने वाला हूं, देखनी है फिर। चलो जी, तो चलिए शुरू करते हैं। भैया हमारा भाई बड़ी बात है भाई, जब छोटा सा था उस वाला कंप्यूटर संभाली हुई है और अभी तक भी है। ये जापान में बड़ी बात कहते हैं, मतलब एक साइन होता है। और ये है आपका भाई और ये हूं मैं। भाई आपका भाई बचपन से ही जो है ना कंप्यूटर का दीवाना था। कबूतर, कंप्यूटर को हमें कबूतर कहते हैं। ये देखो हमारे घर में ना गेस्ट वगैरह आए हुए थे और मैंने जो है ना पहले तो मुझे शलवार मामा पहनाती ही थी, तो उस दिन में जो है ना मैंने कहा हीरो बन लेते हैं, खुद ही शलवार पहनते हैं। मैंने एक ही टांग के अंदर दोनों टांगे डाल ली। बचपन में ज्यादा क्यूट नहीं था। करो अपने तो एक बाबा मैंने देखना अगर है हो पजामा वो वाले दे दो ना भाई। ठीक है साडा मोड़ा ऐसे से कर दो। अब एक वो ये जापान है। हां पूरा का पूरा जापान है। हम लोग 2000 से लेके 2006 या 7 तक जापान में ही थे हम। ये भी हमारे घर में जो है ना जापानी गेस्ट वगैरह आए हुए थे और आपका भाई जो है ना उनकी झोलियों में जाके बैठ जाता था। और नहीं मैं बच्चा था तब। वो देखो बड़े हरामी हो तुम। तो यार ये थी उस जमाने में। नोटिस माइंड तेरा मुझे क्या पता यार। ओ वो एमी खलो खेल रही मेरे साथ। भाई ये जो है ना हमारा जापानी स्कूल में पहला दिन था। अरे इसकी मेरे पास फोटो भी पड़ी हुई है, मैंने लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। ये लेफ्ट वाला मैं हूँ। अरे यार मेरा पहला दिन था स्कूल का। भाई शक्ल देखो मेरी यार। हम लोग जो है ना अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। बस आएगी, हमें पिक करेगी, हमें स्कूल छोड़ने जाएगी। 2002 की बात है भाई, ये 2002। आपका भाई भी एक दिन छोटा हुआ करता है यार। अच्छा रोंदू नहीं थे हम। मुझे होते हैं ना कि हम पहले दिन स्कूल जा रहे हैं अम्मी अबू से दूर, तो रोना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे नहीं थे, हम तो कहते थे भाई जा रहे हैं, शुक्र है। तो भाई ये हमारी बस आ चुकी है स्कूल की, सही है। ये हमें पिक करती ही, हमें स्कूल जा छोड़ के जाती ही। नादे शिको योचन नाम था हमारे स्कूल का, नादे शिको योचन। और भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, हमने जापान का वीजा लगा के ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे जाने और हमने सारे सीन रिक्रिएट करने हैं। ये स्कूल बस हमने बैठना भाई देखो तमीज से ऐसे मिलते थे, ऐसे बड़ी इज्जत मिलती थी भाई हमें। क्या अब तो पाकिस्तान में रह के इज्जत नहीं मिलती, वहाँ पे जापान में इज्जत मिलती थी हमें। ये हमारा स्कूल है और मैं हूँ, ठीक है। हाँ ये दोनों मेरी दोस्त हुआ करती हैं, बड़ी अच्छी। हाँ जापानी लड़कियाँ बहुत दोस्त थी भाई हमारी। ये हमारी टीचर थी, बिल्कुल लग रहा ना जैसे डोरेमोन की टीचर है। और ये मेरी बारी आ गई। ये देखो ये सबसे राइट वाला मैं हूँ। आए ये चले मारते थे हम वहाँ पे बैठ के। भाई यहाँ से जो है ना हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये चंदा मैंने इकट्ठा किया हुआ था ईद के दिन। ईद के दिन हमें इसी तरह के सिक्के मिलते हैं। ये देखो जबरदस्त पानी बोली थी मैंने। वो ये कौन है? ये बताऊँ कौन है? बताऊँ कौन है? नहीं, मुनीब। ये मुनीब है भाई। ये जो इस वक्त चार पाई के अंदर जिसको चादर में बैठा के हम लोग झूले दे रहे हैं ना, ये मुनीब है ना। अब बताओ मैं इसको सही चंडे लगाता हूँ ना बड़ा होके। एम ही पहले इतना क्यूट हुआ करता था। ये मुनीब है वाकई में। ये मम्मा है नमाज पढ़ रही हैं, साथ मुनीब जो है ना झूल रहा। ये भी मुनीब है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। पता नहीं पिज्जा खा रहा है शायद, पता नहीं क्या खा रहा है। एक चीज खा रहा है सारे मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं। ये देखो ये हमारा मोबाइल हुआ करता है छोटा सा। अरे मोबाइल देखो हमारे उस जमाने के। आज तक किसी को बिस्किट खाते नहीं देखा जो उसके पीछे पड़ गया। लेकिन हमारे आप और पहले तो खा रहा है ना इतना बड़ा बड़ा। ये मैं बोल रहा हूं बड़ा 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 बड़ा। अच्छा भला मुनीब हुआ करता है यार, फिर तुम लोग कहते हो उसको चंडे ना लगाओ। डब्बे वाले टीवी पे डोरेमोन देख रहे थे हम। हमारे पास डब्बे वाले टीवी होते थे, उस पर डोरेमोन देख रहे हैं हम। ये मुनीब और भाई छोटा, उसको देखो घोड़े पे बैठा हुआ है। अपना दिखाना यार, मैं ना असल में थोड़ा बदसूरत हो गया था इस जमाने में ना, तो इसलिए मैं अपनी फुटेज नहीं दिखा रहा अभी। ये देखो मुनीब का घोड़ा रोना। इसके सामने कोई भी गाना गाते थे ना रोना शुरू करते था। ऐ चले इटली की बिल्ली पाली। बाकी की मूवी में कुछ इतना ये देखो आगे गया एक पहाड़ के ऊपर जाके इसने कशी से। वाह, मैं तुम्हें कह रहा था यार इस जमाने में मैं थोड़ा बदसूरत हो गया था, इसलिए मेरी वीडियो मत देखो। ये जो है ना हम लोग अभी पाकिस्तान वापस आ चुके थे और हम लोगों ने जो है ना नॉर्दर्न का ट्रिप रखा हुआ था। नारान का गान बैठे हुए अभी हम। ये देखो मुझे देखो यार, ऐ ये बाजार हुआ करता था। सोचता रहता है यार यूट्यूबर कैसे बनूं। हाँ ये वो जमाना है फुल स्ट्रगलिंग। ना मैं सोता था, ना मैं अपनी मर्जी का खाता था, ना मेरा कोई दोस्त, सिर्फ काम। इस उम्र में मैं काम करता था भाई। बाद में वो जेनजियो थी उन जिन्होंने ये बताया कि देव खत्म हो चुका है, अभी खतरा भी चाल भी है। मोटा बहुत ज्यादा हो गया था ना यार इस जमाने में। अभी भी इतने मोटे नहीं होते उस टाइम पे हो। हाँ उस टाइम पे मैं बहुत मोटा था। अरे यार मैं भी एक जमाने में छोटा था यार। ये मैं दोस्तों के साथ खेलने आया हुआ था पार्क में। ये चेक करो यार, ये मैं हूँ फुल पिंडी बॉय वाले स्पाइक्स बना के आया हुआ था मैं। तब नया जो है ना स्पाइक्स का ट्रेंड था, तो आपके भाई ने भी ट्राई मार ली। ये देखो उसके चिप्स छीन के भागे थे। बड़े बच्चों के लंच छीने भाई मैंने स्कूल में। ये देखो बाल देखो। तुमने क्या सोची स्पाइस में? ये तो गैंगस्टर लग रहे भाई तुम्हारी ओवरऑल। ओए बड़े बच्चे मारे हैं मैंने, बहुत मारा बच्चों को मैंने। सारे मैं ही खा रहा हूँ देखो। उसका रह ही नहीं गया कुछ। ये तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह नारान जाने की। भाई ये देखो हम लोग उस जमाने में नारान का गान गए थे जब व्लॉगिंग नाम की चीज ही नहीं थी। और मेरा पापा जो है ना उस जमाने के व्लॉगर थे। वो सारा व्लॉग 2001 से लेके 2000 पता नहीं 17 तक व्लॉगिंग सारा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। ये हमारा पुराना घर यहाँ पे हुआ करता था। ये देखो उस जमाने में मैं यो प्रोफेशनल हुआ करता था। ये चेक करो, आए अब देखना, आए एंज एंज हुंदा था काम। आए आए ऐसे। ओह यार तुम्हारी वो एक्सप्रेशंस अभी भी ऐसे होते हैं। हां जुबान निकालता हूं मैं जब एड्रेनलिन में होता हूं ना। हां जब गेम खेल रहे होते हो ना तब सेम स्टाइल के एक्सप्रेशंस होते हैं। पाकिस्तान गॉट टैलेंट। क्या कर आज पता नहीं क्या हो गया, आज पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? ये मैं दोबारा आया था प्रैक्टिस करके। अब देखना मेरा खराब हो गया था। ओए ओए वाओ क्लैपिंग बच्चे भाई, क्लैपिंग। ओए प्रोफेशनल था भाई मैं। ये देखना वाओ यार ये ज़माना था ना, कोई टेंशन ना कोई कच्छे कुच्छे ना कोई चबलें, बस सिर्फ स्कूल की टेंशन हुआ करती थी जो मैं लेता नहीं था। ये आप लोग तालियां ही बजाओ। तालियां बजाने की भाई नीचे कमेंट के अंदर अपने भाई को यार रेट तो करो जरा 1 से 10 में से। यो प्रोफेशनल था कि नहीं, ये चेक करो। हाँ जी अब मुकाबला होगा, आप आओगे देखना है सबसे ज्यादा देर तक किसका चलता है। चलो भाई देखो वहाँ पे अकेला आपका भाई पाकिस्तानी जापानियों के बीच में बैठा होता था, सारे इतनी इतनी आंखें लेके बैठे होते थे, सिर्फ आपके भाई की बड़ी आंखें थी। तुम लेफ्ट आउट नहीं फील करते थे? लेफ्ट आउट नहीं, वो मुझे देखते थे कि यार इतनी बड़ी आंखें। जापानियों ने तो आंखें पहली बार देखी थी। लड़कियां भी देखती थी, लड़कियां ही देखती हैं। ये देखो ये देखो मेरी आंखें, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरी आंखें देखना और बाकियों की देखना। ये देखो आंखें नहीं होती इनकी। ये हम लोग रेस्टोरेंट आए हुए थे कुछ खाना खाने ना, इफ्तारी हो रही थी हमारी। ये देखो मैं प्लेटें भर के बैठा हूँ। उस ज़माने में भी चॉपस्टिक इस्तेमाल करते थे हम, और इस्तेमाल भी नहीं की जा रही मेरे से। वो नहीं कर रहे हो, अच्छी नहीं कर रहे। खाया जा नहीं रहा मेरे से। ये मेरी बर्थडे पार्टी थी, पिज़्ज़े शीज़े मंगाए हुए थे हम लोगों ने, केक वगैरह रेडी था। ये बस इस ज़माने में बस मेरी बर्थडे बनती थी। मेरे ख्याल से ये मेरी आखिरी बर्थडे थी, उसके बाद से बर्थडे का चार्ज ख़त्म हो गया था। ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट मिला था मुझे। ये क्या आईफोन के लिए लेके आए? वो देखो वो मेरे मुंह पे देखा हुआ है कि ये क्या मिल गया मुझे हैं। बर्थडे पे भी ज्योमेट्री बॉक्स। डिसअपॉइंटेड है सॉरी। द लुक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कुछ नहीं हुआ मैं गिफ्ट देख के। साल की स्पीड देखो जरा। किस स्पीड से खाता है। अच्छा यहाँ पे मैं मोटा होना शुरू हो रहा था। हाँ मोटा होना शुरू हो रहा था मैं यहाँ पे मैं थोड़ा पतला लग रहा। ये देखो कंप्यूटर पर आया हमारा पीछे। अब भी खाने में बिजी हूँ मैं। तो यार ये थी कुछ बचपन की वीडियोस और ऐसी बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी बने तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। भाई बहुत वीडियोस हैं। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पे वीडियो एंड हो रही है। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना लाजमी। अचानक जो है ना आपके भाई को जो है ना पुरानी वीडियोस मिल गई, मैंने कहा भाई इस पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं लेवल की। मिलते हैं कल। ओके गाइस अभी वीडियो खत्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे एक नई और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लगी हैं। देखें भाई शुरू से जब भाई मोबाइल नाम का कोई मोबाइल होते ही नहीं थे भाई, छोटे छोटे मोबाइल होते थे, उस वक्त की वीडियोस जमा की हुई हैं और अभी भी थे बहुत ज़बरदस्त। और 2001 में बता रहे थे कि कोई भाई नारायण खान का कौन व्लॉग बनाता था भाई। 2001 में तो कोई नामो निशान नहीं था, यूट्यूब का भाई नामो निशान नहीं था 2001 में। तो उस वक्त की भाई देखें कैसे व्लॉगिंग जमा की हुई है। तो खैर मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको कैसे लगी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।